अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिद है और आज जो है मैं आपको एक वेजी शीट बनाना जो है वो सिखाऊंगा। मिसाल के तौर पे एग्जांपल मैंने ली है एक जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, स्मॉल स्केल यूनिट होता है, उसके लिए मैंने एग्जांपल ली है कि आता हूँ मैं यहाँ पे अब एक स्केच बनाता हूँ। ठीक है, स्केच में मैं सबसे पहले करता हूँ मैनेजर। ठीक है, मैनेजर आईडी, मेरा जो मैनेजर है उसकी आईडी, मैं हर मैनेजर को एक एक आईडी अलाउड कर दूंगा, हर मैनेजर को एक एक आईडी अलाउड कर दूंगा। उसके बाद मैं कहता हूँ मैनेजर का नेम आ जाता है कि उसका नेम क्या है। ठीक है, नेम के बाद वो ऑपरेशन कौन सा करता है, ठीक है, ऑपरेशन कौन सा करता है, उसके बाद ऑपरेशन भी इसको कह सकते हैं, इसको डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं। जब हम छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं तो मैं इसके लिए एक ही मैं सेपरेट से यूज़ नहीं कर रहा कि ऑपरेशन को सेपरेट से डील करूं और डिपार्टमेंट को सेपरेट से। मैंने जस्ट यहाँ पे कह दिया कि ऑपरेशन क्या करते हैं। ठीक है, उन्होंने क्वान्टिटी क्या बनवाई है, ठीक है, क्वान्टिटी क्या बनवाई है, और उसके बाद जो है क्वान्टिटी क्या बनवाई है, और उसके बाद पर पीस की पर क्वान्टिटी की पर पीस की प्राइस क्या है, उसके बाद टोटल अमाउंट कितनी बनी उनकी। ठीक है, टोटल अमाउंट के बाद ऑर्डर नंबर कौन सा था, ठीक है, ऑर्डर नंबर कौन सा था, ऑर्डर नंबर के बाद ये चीज़ हो गई। ठीक है, उसके बाद मैं इसको यहाँ पे सब कॉलम्स को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद इनको मैं यूँ ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी कॉलम इंसर्ट करवा दूँ, सॉरी पहले ये सिलेक्शन को ख़त्म करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक कॉलम इंसर्ट करवाया मैंने, और उस कॉलम में मैंने डेट लिख दी। डेट भी तो लिखनी है ना, जिसको जिस दिन पैसे देने हैं, जिसकी जिस दिन पेमेंट बन जानी है, उसने ऑर्डर पूरा कर देना, मैंने उसकी एक डेट मेंशन कर देनी है। ठीक है, जो भी उसकी बनती सैलरी बनती वेजेस बनती होंगी, तो ये मैंने डेट का यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये एक बिल्कुल बेसिक सा स्केच बन गया है। ऊपर मैं मेन हेडिंग दे देता हूँ जी, कि ये यहाँ पे इतना कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ वेजेस शीट। ठीक है, कि ये मेरी एक वेजेस शीट है, तो इसका मैं कुछ साइज़ यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। साइज़ बड़ा करने के बाद यहाँ पे मैं दो डॉट्स यहाँ पे बना देता हूँ, ताकि कुछ लुक्स जो हैं इसकी प्यारी लगे, अच्छी लगे। ये चीज़ हो गई। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे इसको मेरा जो भी मेरा अकाउंटेंट है, मैंने जो भी डेटा एंट्री के लिए अपना एक एम्प्लॉय हायर किया हुआ है, उसको उसको मैं यहाँ पे अब बाउंड करने लगा हूँ। ठीक है, उसको बाउंड मैं कैसे करूँगा, मिसाल के तौर पे मैं डेट को जो एरिया इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से डाटा में चला जाता हूँ। डाटा में जाने के बाद डाटा वैलिडेशन में जाता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ डेट में। डेट में जाने के बाद मैं कहता हूँ इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू करूँगा, और मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा था इक्वल टू टूडे, और यहाँ पे मैसेज पॉपअप करता हूँ मैं इनवैलिड करवाने के लिए, लिखता हूँ पॉपअप करवाने के लिए इनवैलिड डेट। ठीक है, और फिर मैं कहता हूँ प्लीज़ राइट द करंट डेट। ठीक है कि जी, करंट डेट जो आज की डेट है वो लिखें आप, और इसको मैंने यहाँ पे स्टॉप करवा दिया, मैंने यहाँ पे इसको ओके कर दिया है। तो आज का दिन आप देख लें कि आज जो है वो 17 अगस्त है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ 17 अगस्त की एंट्री कर सकता हूँ। 17 अगस्त से जो टूमारो है उसकी एंट्री भी नहीं कर सकता, जो यस्टरडे गुजर गया उसकी एंट्री भी नहीं कर सकता। यानी कि मेरा जो भी यहाँ पे होगा एम्प्लॉय, वो उसको हर रोज़ की एंट्री रोज़ करनी पड़ेगी। ये नहीं वो करेगा कि वो आज की एंट्रियाँ कल कर लेगा, अगर आज की एंट्रियाँ कल करेगा तो ये मेरा जो टेम्पलेट है, ये मेरी जो वर्कबुक है, ये कल की डेट को या यस्टरडे की डेट को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। अब देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं करता हूँ 8 × 17, तो 17 अगस्त की तो एंट्री हो गई। अगर मैं 16 अगस्त की एंट्री करूँगा तो ये कह देगा कि जी प्लीज़ राइट द करंट डेट, आज की डेट लिखें, ये डेट एंटर नहीं हो सकती। तो इस तरह से मैंने उसको यहाँ पे बाउंड कर दिया। एम्प्लॉय आईडी के लिए मैं उसको बाउंड करूँगा कि एम्प्लॉय आईडी जो है वो डाटा में जाऊँगा, यहाँ पे जाता हूँ डाटा वैलिडेशन,
डेटा वैलिडेशन के बाद मैं इस यहाँ पे कहता हूँ इनवैलिड मैनेजर आईडी, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ पुट आ वैलिड मैनेजर आईडी। यहाँ पे सेटिंग में जाके मैं कहता हूँ हॉल नंबर, क्योंकि ये यहाँ पे हॉल नंबर लिखूँगा तो मैं कहता हूँ कि हॉल नंबर जो है वो ग्रेटर देन सिफर होना चाहिए। अगर मैं सिफर या सिफर से कम लिखूँगा तो वो यहाँ पे इंटर नहीं होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं सिफर लिख के आपको इंटर करके दिखाता हूँ तो ये कह देगा प्लीज़ पुट अ वैलिड नंबर, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको थोड़ा और स्मार्ट करता हूँ क्योंकि